सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेज हंगामा। मैं हूं आमिर। आज के इस वीडियो में हम आपको UPTU के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के बारे में बताएंगे, प्लस उन चैप्टर्स के वेटेज के बारे में भी बताएंगे। मतलब अगर आप UPTU एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहे हैं तो कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जो कि आपको पढ़नी चाहिए, और उन चैप्टर से कितने कितने क्वेश्चन आपके UPTU के एग्जाम में आते हैं। तो इन्हीं दोनों टॉपिक के बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। नंबर वन, सबसे पहले हम आपको बताते हैं फिजिक्स के बारे में। तो देखिए, जो फिजिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है उसका नाम है हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। इससे 4 से 5 क्वेश्चन हर साल UPTU में पूछे जाते हैं। उसके बाद नंबर टू, वर्क पावर एंड एनर्जी। इससे लगभग 3 से लेकर 4 क्वेश्चन हर साल UPTU में आते हैं। उसके बाद ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में आपका आ जाता है रे ऑप्टिक्स प्लस वेव ऑप्टिक्स। अगर आप ऑप्टिक्स पूरा कंप्लीट पढ़ते हैं तो लगभग 6 क्वेश्चन UPTU में हर साल इससे पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद नंबर फोर, मोशन। अगर आप मोशन पढ़ते हैं, मोशन में आपका 3 आ जाता है। नंबर वन, लॉ ऑफ मोशन। नंबर टू, 1D मोशन। नंबर थ्री, 2D मोशन। अगर आप इन तीनों को पढ़ते हैं, पूरा मोशन कंप्लीट पढ़ते हैं, तो लगभग 6 क्वेश्चन हर साल UPTU में आते हैं। आप 6 क्वेश्चन कर ले जाएंगे। फिर उसके बाद नंबर फाइव, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। हर साल UPTU में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से लगभग 4 क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद नंबर सिक्स, मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स से लगभग हर साल 3 से लेकर 4 क्वेश्चन UPTU में आते हैं। उसके बाद नंबर सेवन, करंट इलेक्ट्रिसिटी। UPTU में हर साल लगभग 2 से लेकर 3 क्वेश्चन करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से आते हैं। उसके बाद नंबर एट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। इससे लगभग 2 से 3 क्वेश्चन हर साल UPTU में पूछे जाते हैं। देखिए, इसमें मैंने आपको सिर्फ 8 ऐसे चैप्टर हैं जिनके बारे में बताया हुआ है। ये जो 8 चैप्टर हैं ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हैं। और भी चैप्टर्स हैं जो कि आपके UPTU में फिजिक्स के सिलेबस में हैं, लेकिन हम उनको नहीं बता रहे हैं क्योंकि उनसे कभी कभी क्वेश्चन आते हैं और कभी कभी नहीं आते हैं। लेकिन ये जो 8 चैप्टर्स हैं इनसे हर साल क्वेश्चन बनते हैं, और कितने कितने बनते हैं इसको मैंने आपको बताई दिया है। ये तो हुआ फिजिक्स। उसके बाद नंबर टू, केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में नंबर वन, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसको GOC के नाम से भी जाना जाता है। इससे लगभग हर साल 6 से लेकर 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यकीन मानिए, अगर आप इसको पढ़ लेते हैं ना, तो समझिए कि आपको पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही मतलब कवर हो जाएगा, क्योंकि पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जान है। सबसे इंपॉर्टेंट पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपका GOC ही है। तो आप इसको पढ़िएगा, इससे लगभग 6 से 8 क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। उसके बाद नंबर टू, केमिकल बॉन्डिंग। ये भी एक दूसरा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है आपके, मतलब केमिस्ट्री का। इससे लगभग 4 से 5 क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। नंबर थ्री, पीरियोडिक टेबल। इससे लगभग 5 से 6 क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं आपके UPTU के एग्जाम में। ये भी एक तीसरा ऐसा चैप्टर है जो कि UPTU में केमिस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नंबर फोर, एटॉमिक स्ट्रक्चर। इससे लगभग 4 से 6 क्वेश्चन हर साल UPTU में पूछे जाते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। नंबर फाइव, आइसोमेरिज्म। इससे 2 से 3 क्वेश्चन हर साल UPTU में आते हैं। सिक्स, IUPAC। इससे भी 2 से 3 क्वेश्चन हर साल आते हैं। उसके बाद नंबर सेवन, रेडॉक्स रिएक्शन। नंबर एट, पॉलीमर्स। इन दोनों चैप्टर से 2 से 3 क्वेश्चन हर साल UPTU में पूछे जाते हैं। और ये जो चैप्टर्स हैं, जो आपका पॉलीमर चैप्टर है, ये बहुत आसान चैप्टर है, बहुत ईजी चैप्टर है, आप इसको जरूर पढ़िएगा। उसके बाद नंबर नाइन, सॉलिड स्टेट। इससे भी लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आपके UPTU के एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं, केमिस्ट्री वाले सेक्शन में। उसके बाद नंबर 10, सॉल्यूशन। इससे 2 क्वेश्चन आते हैं आपके UPTU के एग्जाम में। 11, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इससे भी 2 क्वेश्चन आते हैं। 12, केमिकल इक्विलिब्रियम। इससे 3 क्वेश्चन आते हैं आपके UPTU के एग्जाम में। तो यही ऐसे मतलब 10-12 चैप्टर्स हैं आपके केमिस्ट्री में, जिनसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके UPTU में केमिस्ट्री वाले सेक्शन में आते हैं। तो आप इनको जरूर पढ़िएगा, अगर आप इनको अच्छे से पढ़ लेते हैं तो जाके बाकी के जो और चैप्टर्स हैं आप चाहें तो उनको पढ़ सकते हैं, उन पर आप चाहें तो गौर कर सकते हैं। ये तो हुआ आपका केमिस्ट्री। उसके बाद नंबर थ्री, मैथमेटिक्स। ध्यान दीजिए, इसमें हम मैथमेटिक्स के बारे में बता रहे हैं, बायोलॉजी के बारे में नहीं बता रहे हैं। लेकिन इससे पहले जो फिजिक्स और केमिस्ट्री के बारे में बताया था, अगर आप बीफार्मा कोर्स का एग्जाम देने वाले हैं तो वो जो फिजिक्स केमिस्ट्री था वो आपके लिए भी था। तो आपके मैथमेटिक्स में जो पहला चैप्टर है वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो जैसा कि आप जानते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या होता है, कि इसमें कई सारे मतलब और भी चैप्टर्स होते हैं। ये जो आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, ये आपका एक पूरा का पूरा यूनिट है। इसमें और भी कई सारे चैप्टर्स होते हैं, कई सारे टॉपिक्स होते हैं, लाइक स्ट्रेट लाइन, उसके बाद सर्कल, पाराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स। ये जो चीज़ें हैं ये सभी की सभी आपके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आती हैं। तो क्या होता है कि इससे हर साल लगभग 6 से लेकर 8 क्वेश्चन आपके UPTU के एग्जाम में आते हैं। लगभग 24 से लेकर 32 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो आप इसको जरूर पढ़िएगा। फिर उसके बाद नंबर टू, प्रोबेबिलिटी। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये आपका यूनिट नहीं है बल्कि चैप्टर है। इससे लगभग 3 से 4 क्वेश्चन आपके UPTU में मैथमेटिक्स वाले सेक्शन में आते हैं। उसके बाद नंबर थ्री, वेक्टर। इसको भी आप जरूर पढ़िएगा, एक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे लगभग 4 से 5 क्वेश्चन आपके UPTU में आते हैं। उसके बाद आपका नंबर फोर, ट्राइग्नोमेट्री। इससे लगभग 3 से 4 क्वेश्चन आपके UPTU में आते हैं। उसके बाद नंबर फाइव जो है वो है आपका एक यूनिट, अलजेब्रा। इससे 8 क्वेश्चन आते हैं। 8 क्वेश्चन आते हैं तो जाहिर सी बात है कि इसमें और भी कई सारे चैप्टर होंगे, कई सारे टॉपिक होंगे। तो इसमें जो पहला चैप्टर है, उसमें जो पहला टॉपिक है
वो है सेट। इसमें सेट से क्वेश्चन आते हैं, रिलेशन से क्वेश्चन आते हैं, फंक्शन से क्वेश्चन आते हैं। इन तीनों को मिला के लगभग 2 से लेकर 4 क्वेश्चन आपके UPTU में मैथमेटिक्स में आते हैं। उसके बाद इसी में अलजेब्रा में ही आपका एक दूसरा चैप्टर है सिक्वेंस एंड सीरीज, इससे क्वेश्चन आते हैं, इसको आप पढ़िएगा। नंबर 3 बाइनोमियल थ्योरम, नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये जो चारों चैप्टर्स हैं जो कि आपके अलजेब्रा में हैं, तो इनसे क्वेश्चन आते हैं, तो इसको आप जरूर पढ़िएगा। लगभग 8 क्वेश्चन अलजेब्रा में आते हैं। फिर उसके बाद नंबर सिक्स है, वो भी एक पूरा का पूरा यूनिट है, इससे लगभग 9 से लेकर 10 क्वेश्चन आते हैं हर साल UPTU में। इसमें नंबर 1 लिमिट एंड कंटिन्यूटी, नंबर 2 इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन में भी आपका डेफिनेट और इनडेफिनेट दोनों इंटीग्रेशन आता है, नंबर 3 मैक्सिमा एंड मिनिमा, नंबर 4 डिफरेंशियल इक्वेशन। ये जो चारों हैं ये आपके कैलकुलस में आ जाते हैं कंप्लीट, तो आप इसको जरूर पढ़िएगा। तो यही कुछ ऐसे मतलब इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं आपके मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, जो कि मतलब थोड़ा इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा भी और भी मतलब बहुत सारे चैप्टर हैं, बहुत सारे मतलब टॉपिक हैं आपके सिलेबस में UPTU के, लेकिन आप उनको तभी पढ़िएगा जब आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आप एक काम करिए कि इसमें से जितने जितने चैप्टर, जितने जितने टॉपिक के बारे में मैंने आपको बताया हुआ है, उसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए। अगर आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है तो आप एक बार दोबारा से इसको रिवाइज कर लीजिए, अच्छे से कर लीजिए। मैंने आपको बता भी दिया है कि इनसे कितने कितने क्वेश्चन आपके UPTU के एग्जाम में आते हैं, तो आप इसको ध्यान से पढ़िएगा, अच्छे से पढ़िएगा, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको पढ़ लेते हैं ना, तो समझिए कि आपका BTech में अच्छा नंबर आ सकता है। अच्छा नंबर आएगा तो अच्छा रैंक बनेगा, अच्छा रैंक बनेगा तो अच्छा कॉलेज मिलेगा, सब कुछ आपका अच्छा ही अच्छा होगा। तो आपको अच्छे अच्छे चैप्टर पढ़ने हैं, अच्छे अच्छे से आपको समझ के पढ़ने हैं, पूरी तैयारी के साथ पढ़ने हैं। आपको बार बार रिवाइज करना है, इससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को भी सॉल्व करना है अगर आपके पास है तो, नहीं है तो इससे रिलेटेड मैंने कई सारे वीडियो बनाए हैं, आप उनको देख लीजिए और समझ आइए कि आप उनके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को कहाँ से कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आई बटन में या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप यहाँ से भी उनको देख सकते हैं।